खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां बखावा थाना और साइबर पुलिस ने हाल ही में डीजल चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से डीजल और वाहन जब्त कर 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार किटकेश्वर साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ अज्ञात चोरों ने ग्राम डोमा गुरुदेव पेट्रोल पंप पर खड़ी उनकी हाइवा गाड़ी से डीजल टैंक का लॉक तोड़कर 225 लीटर डीजल चोरी कर लिया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी थी। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर मिथुन सोलंकी, अरुण चमार दोनों निवासी जिला शाजापुर एमपी और गणेश साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना भखारा के गुरुदेव पेट्रोल पंप डोमा के पास हाईवे में 12 सितंबर 2024 को हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर खड़े एक हाइवा वाहन से कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने करीब 225 लीटर डीजल की चोरी कर ली है। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर हमने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सहायता से हमने पतासाजी की, जिसमें कुछ संदेहियों पर हमें शक था और उन्हें पकड़कर हमने हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया है। आरोपियों में मिथुन सोलंकी, अरुण चमार जो कि दुपाड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और एक अन्य आरोपी गणेश साव जो कि भिलाई का रहने वाला है, इनकी हमने अरेस्टिंग की है। इस मामले में 2 अन्य आरोपी भी हैं, संलिप्त हैं, जो कि फरार हो गए, उनकी भी पतासाजी की जा रही है। इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 210 लीटर डीजल और जिस वाहन का प्रयोग कर ये चोरी करते थे, एक महिंद्रा TUV जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है, तो टोटल 6,21,000 रुपए का जो सामान है हमने जब्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध हमने BNS की धारा 303(2) और 305 के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर इन्हें जेल भेजा है।